हेलो दोस्तों, चैनल एग्जाम अब में आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी पिछली वीडियो किसकी, बंदरगाह की है। और बंदरगाह में हमने कुछ शायद सात बंदरगाह कराई थी और उसके बारे में उसकी ट्रिक बताई थी उससे पहले। जो बच गई बंदरगाह वो हम इस क्लास में करेंगे। इस क्लास में हमारी बंदरगाह आती है आठवीं। कौन सी? आठवीं बंदरगाह। आठवीं बंदरगाह किससे आती है? अपनी सी से, अपनी चलने बंदरगाह आ गई जो नीचे वाली है, जो किससे? बंगाली खाड़ी से लगती है, जो पूर्वी तट पर है। किससे बनती है? सी से। कौन सी सी से? चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह। और ये कहां पर है? चेन्नई में। चेन्नई तमिलनाडु। कौन सी अपने बंदरगाह? चेन्नई बंदरगाह। और चेन्नई बंदरगाह कहां पर है? चेन्नई तमिलनाडु में। चेन्नई शहर कहां पर है? तमिलनाडु में। तो पता आसानी से याद हो जाए चेन्नई बंदरगाह जो कहां पर है? तमिलनाडु में। और एक ऐसी बंदरगाह है, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। जो चेन्नई बंदरगाह, ये कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल बंदरगाह है। और यह भारत की सबसे पुरानी कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत की सबसे पुरानी कृत्रिम चेन्नई बंदरगाह क्या भारतीय कृत्रिम बंदरगाह है। और यह भारत की सबसे पुरानी कृत्रिम बंदरगाह, यानी कि जो पहली कृत्रिम बंदरगाह बनी थी, सबसे पहले बनी थी, वो कौन सी? अपने चेन्नई बंदरगाह। नेक्स्ट आता अपना नौवीं बंदरगाह। क्या है? नौवीं बंदरगाह। और नौवीं किसे बनती है? ए से, ए से एनोर बंदरगाह। एनोर बंदरगाह, एनोर बंदरगाह। एनोर बंदरगाह कहां पर है? यह भी कहां पर है? तमिलनाडु में। जो सबसे ज्यादा तीन अपनी बड़ी बंदरगाह वो कहां पर है? तमिलनाडु में है। जो एनोर बंदरगाह कहां पर है? तमिलनाडु में। और यह कैसी? यह भी एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह है एक कृत्रिम बंदरगाह है। जो इसका पुराना नाम है वो कामराज है। क्या है? कामराज। इसका पुराना नाम क्या? इसका पुराना नाम कामराज, कामराज बंदरगाह। जो एनोर बंदरगाह है कैसी बंदरगाह? ये कृत्रिम बंदरगाह। और इसका पुराना नाम क्या है? कामराज बंदरगाह। यह भी जो अपने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह थी उसकी तरह ही किसे है? आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस बंदरगाह है। यह अति आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस यह भी अति आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस बंदरगाह है। जो सबसे अति आधुनिक बंदरगाह वो कौन सी? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और उसके बाद जो अति आधुनिक बंदरगाह आती है वो कौन सी है? एनोर बंदरगाह। और ये क्या है? यह एक निगमित बंदरगाह है। यह एक निगमित बंदरगाह है। क्या? एक निगमित बंदरगाह, यानी कॉरपोरेटर, यह कॉरपोरेट बंदरगाह है। एक प्राइवेट बंदरगाह, यानी किसी एक बंदे के अंडर में है। यह सरकारी बंदरगाह नहीं, किसी एक बंदे के कॉरपोरेट निगमित बंदरगाह, किसी एक बंदे के अंडर में है। यह कृत्रिम बंदरगाह। और इसका पुराना नाम क्या था? कामराज बंदरगाह। इसे पहले किस नाम से पुकारा जाता था? कामराज बंदरगाह नाम से। और
जो जवाहरलाल बंदरगाह उसके बाद अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बंदरगाह जो कौन सी है एनोर बंदरगाह, और यह का क्या निगमित बंदरगाह यानी कॉरपोरेट बंदरगाह प्राइवेट बंदरगाह है, इस पर किसका अधिकार है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार है, ये कोई सरकारी बंदरगाह नहीं है, इस पर किसका अधिकार है, एक व्यक्ति का अधिकार है, और ये इसको बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, जो चेन्नई बंदरगाह है क्या, जो चेन्नई बंदरगाह उस पर क्या ज्यादा ट्रैफिक थी, ज्यादा भीड़ थी, तो उसको उसके बोझ को कम करने के लिए एनोर बंदरगाह का निर्माण करना पड़ा, चेन्नई बंदरगाह का, चेन्नई बंदरगाह का बोझ कम करने के लिए एनोर बंदरगाह का निर्माण करना पड़ा, चेन्नई बंदरगाह का बोझ कम करने के लिए एनोर बंदरगाह का निर्माण करना पड़ा। क्या एनोर बंदरगाह कहां पर है, तमिलनाडु में, और यह करीतने बंदरगाह इसका पुराना नाम है जो कामराज बंदरगाह है, और ये क्या थी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बंदरगाह, और जो ये बंदरगाह है क्या है निगमित बंदरगाह कॉर्पोरेट प्राइवेट बंदरगाह, और ये इसका इसके निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी है, जो चेन्नई बंदरगाह के बोझ को कम करने के लिए एनोर बंदरगाह के निर्माण की जरूरत पड़ी। अब नेक्स्ट आती है अपनी दसवीं बंदरगाह, कौन सी दसवीं बंदरगाह, दसवीं बंदरगाह कौन सी अपनी विषय बनती है विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम बंदरगाह कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, कहां पर है आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कहां पर है आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम कहां का शहर, आंध्र प्रदेश का शहर है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कहां पर है आंध्र प्रदेश में, और ये कैसी है, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, और यह सबसे गहरी बंदरगाह कौन सी है, भारत की सबसे गहरी बंदरगाह यह भारत की सबसे गहरी बंदरगाह है, जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो क्या है, भारत की सबसे गहरी बंदरगाह है, सबसे बड़ी कौन सी थी है? मुंबई बंदरगाह, और सबसे अत्याधुनिक बंदरगाह कौन सी थी, और सबसे बड़ी कृत्रिम बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और सबसे पुरानी जो कृत्रिम बंदरगाह थी वो कौन सी थी, चेन्नई, और भारत की सबसे गहरी बंदरगाह कौन सी है, विशाखापट्टनम बंदरगाह, और ये जो चक्रवात आते हैं चक्रवातों से सुरक्षित यह चक्रवातों से सुरक्षित बंदरगाह है, यानी कि यहां पर जो चक्रवात उनका कोई भी खतरा नहीं है, और इन चक्रवातों से सुरक्षित होने का इसका क्या कारण है, इसका कारण है डॉल्फिन नोज, क्या इसका कारण है डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी, जो चक्रवातों से इसकी सुरक्षा करती है वो कौन करती है, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी, ये डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी इस बंदरगाह के सामने इस प्रकार से है कि जो भी अगर कोई चक्रवात आता है तो इसे डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से टकराकर वापिस चला जाता है, क्या होता है अगर कोई भी चक्रवात आता है तो जो डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी इसके सामने इस तरह से खड़ी है कि इससे वो टकराता है और वापिस चला जाता है, इससे इसकी यहाँ पे टूट फूट का कोई खतरा नहीं रहता,
चक्रवात आए, बाढ़ आए, कुछ भी आए, लेकिन इसको इससे ज्यादा खतरा नहीं चक्रवातों से, इस बंदरगाह को। नेक्स्ट आती है अपनी ग्यारहवीं बंदरगाह। ग्यारहवीं बंदरगाह कौन सी है अपनी? पारादीप, बी से पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहां पर है? उड़ीसा में। जो पारादीप बंदरगाह है कहां पर है? उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह। ये इसको याद कैसे रखेंगे? पारा पर, पारा से क्या आता है? पर, और बंदर बंदरगाह से पारा बंद। अगर किसी बंदे को पर लग जाए तो क्या करेगा? उड़ेगा, उड़े से उड़ीसा। अगर किसी बंदे को पर लग जाए तो क्या करेगा? उड़ेगा। तो जो पारा 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 से पारादीप, पारादीप बंदरगाह कहां पर है? उड़ीसा में। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। क्या है? यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह कैसी बंदरगाह? कृत्रिम। और इसे क्या 2010 में नेवी स्टेशन बना दिया गया है। इसे 2010 में नेवी स्टेशन बना दिया गया है। जो पारादीप बंदरगाह कहां पर? उड़ीसा में। कैसे बंदरगाह? कृत्रिम बंदरगाह है। और इसे 2010 में नेवी स्टेशन बंदरगाह बना, नेवी स्टेशन बना दिया गया है। और एक और में जो अपनी तुतीकोरिन बंदरगाह थी, उसे भी 2010 में क्या कर दिया था? तुतीकोरिन लिख दिया। तुतीकोरिन इसे भी 2010 में नेवी स्टेशन बना दिया गया है। तो तुतीकोरिन बंदरगाह थी, इसे भी क्या 2010 में नेवी स्टेशन बना दिया गया है। और पारादीप बंदरगाह को भी क्या है? 2010 में नेवी स्टेशन बंदरगाह बना दिया गया है। और इस बंदरगाह का जो दूसरा नाम, वो क्या है दूसरा नाम? बीजू पटनायक पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा में, इसका दूसरा नाम क्या है? बीजू पटनायक बंदरगाह। ये कैसी बंदरगाह? कृत्रिम बंदरगाह। और इसे 2010 में क्या बना दिया गया? नेवी स्टेशन बना दिया गया। और इसका दूसरा नाम क्या है? बीजू पटनायक बंदरगाह। चलो इसको साफ करते हैं। अब आती है नेक्स्ट बारहवीं बंदरगाह। कौन सी? बारहवीं। बारहवीं किससे आएगी? के से। के से कौन सी? कलकत्ता बंदरगाह। कलकत्ता बंदरगाह कहां पर? पश्चिम बंगाल में। कलकत्ता बंदरगाह कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ऐसी यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और क्या? यह एक भारत की एकमात्र नदीय बंदरगाह है। यह भारत की एकमात्र नदीय बंदरगाह है। पिछली बार जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की नदीय बंदरगाह कौन सी है? कौन सी है? कलकत्ता बंदरगाह। और जो दूसरे किस नाम से जाना जाता है? हल्दिया बंदरगाह, बंदरगाह के नाम से। दूसरा नाम क्या है इसका? हल्दिया क्या है? हल्दिया बंदरगाह। जो कलकत्ता बंदरगाह है उसका दूसरा नाम क्या? हल्दिया बंदरगाह। और इसे ये भारतीय एकमात्र नदीय बंदरगाह। और ये पिछली बार क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। और ये जिस नदी पर बनी है वो नदी कौन सी है?
वो नदी कौन सी है? हुगली नदी। क्या है हुगली नदी? कलकत्ता बंदरगाह जो जिस नदी पर बनी वो कौन सी नदी है? हुगली नदी है। जो हुगली नदी पर बनी है, बाकी बंदरगाह किस पर है? सागर के किनारे। लेकिन यह बंदरगाह किसके किनारे है? नदी के किनारे, नदी पर बनी है। और इस बंदरगाह का जो हिस्सा सागर को लगता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इस बंदरगाह का जो हिस्सा सागर को लगता है, उसे क्या कहते हैं? डायमंड हार्बर। क्या? डायमंड हार्बर। इस बंदरगाह का जो हिस्सा सागर से लगता है, सागर को लगता है, उसे क्या कहते हैं? डायमंड हार्बर। क्या यह एक प्राकृतिक बंदरगाह और यह भारतीय एकमात्र नदीय बंदरगाह है जो किस नदी पर बनी हुई है? हुगली नदी पर। इसका दूसरा नाम क्या है? हल्दिया बंदरगाह। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि हल्दिया बंदरगाह किस प्रकार की बंदरगाह है? क्या एक नदी बंदरगाह और प्राकृतिक बंदरगाह है? किस नदी पर? हुगली नदी पर है। और इस बंदरगाह का जो हिस्सा सागर को लगता है, उसे क्या कहते हैं? डायमंड हार्बर। पिछली बार जो SSC CHSL हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बंदरगाह, इस बंदरगाह का जो कलकत्ता बंदरगाह, इसका का जो सागर से लगने वाला हिस्से को किस नाम से पुकारा जाता है? तो क्या नाम है? डायमंड हार्बर। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट 13वीं बंदरगाह कौन सी है, किस नाम से बनेगी? ए से। नहीं, ए से नहीं, पी से। किसे बनेगी? पी से। कौन सी बंदरगाह? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। और ये कहां पर है? ये अंडमान में, अंडमान निकोबार में। जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह वो कहां पर? अंडमान निकोबार में। जो अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो आसानी से याद हो जाएगी जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहां पर है? अंडमान निकोबार में। और ये कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। ये तो बिल्कुल बीच में हो गई है, बंगाल की खाड़ी में, वैसे भी याद आ जाएगी। और ये कैसी बंदरगाह है? यह है कृत्रिम भी है, कृत्रिम भी और प्राकृतिक, प्राकृतिक भी बंदरगाह है। क्या ये दोनों प्रकार के बंदरगाह, कृत्रिम भी और प्राकृतिक भी? कुछ तो क्या है कृत्रिम है, लेकिन कुछ क्या है? प्राकृतिक है। और इसे पहले छोटी बंदरगाह होती थी, लेकिन बाद में इसे 2010 में बड़ी बंदरगाह बना दिया गया। क्या? बड़ी बंदरगाह बना दिया गया। क्या जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह वो कहां पर? अंडमान निकोबार में है। और ये कैसी है? ये कृत्रिम भी है और प्राकृतिक भी है। ये दोनों प्रकार की बंदरगाह है। पहले छोटी बंदरगाह होती थी, लेकिन 2010 में से क्या कर दिया गया? बड़ी बंदरगाह बना दिया गया। और हमारे जो बंदरगाह 13 इंपोर्टेंट मुख्य मुख्य महत्वपूर्ण बंदरगाह है, वो कौन कितनी? हमने 13 और 13 हमने कर लिए और फुल डिटेल में किए हैं। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए लाभदायक लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। 18